उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट 86% हो गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कोरोना बुलेटिन जारी कर उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात के बारे में जानकारी दी। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए इन्फेक्शन हैं उनकी संख्या प्रदेश में कम हो रही है। जो लोग कल उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है, अर्थात जो नए संक्रमण आए उनसे उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आज भी अधिक रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या इस समय घटकर के 2,04,658 हो गई है, जो 30 अप्रैल 2021 के पीक के मुकाबले 3,10,783 के मुकाबले 1,06,000 से भी अधिक कम है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण घट रहा है और एक आंकड़ा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अब रखना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2021 को हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 3,10,000 से अधिक एक्टिव केसेस थे, जो आज घटकर 2,04,658 रह गए। इस प्रकार लगभग पिछले 13 दिनों में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस, कुल जो सक्रिय मामले हैं, वो लगभग 1,06,000 से अधिक संख्या से घटे हैं। तो ये घटा जो केसेस में घटोतरी है, ये प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक एग्रेसिव